जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आसान प्रॉपर्टी और मैं हूं वकास अहमद आसान प्रॉपर्टी के एक नए एपिसोड के साथ। तो नाज़रीन, आज भी हम आपको कुछ मतलब एक न्यू प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपसे बात करेंगे। तो अगर इस्लामाबाद के जितने भी मकीन हैं या रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर के लोग भी हैं जो मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रहने घर बनाने के लिए जो प्लॉट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो हमारे पास एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट अवेलेबल है जो तकरीबन 10-15 कनाल पे मोहित है। तो ये प्रोजेक्ट नाज़रीन, जो अगर आप लैतरार रोड की तरफ से आते हैं, मैं पहले आपको रोड मैप का थोड़ा सा समझा दूं। अगर आप खन्ना पुल की तरफ से आते हैं तो खन्ना पुल से तकरीबन 10 किलोमीटर की मुसाफत पे है, और ये जब आप मशीन स्टॉप ठंडा पानी पहुँचेंगे तो इससे राइट साइड पर ये प्रोजेक्ट है। तो ये कोई सोसाइटी नहीं है या कोई टाउन नहीं है, ये तकरीबन आबादी के दरमियानी हिस्से में एक तकरीबन 10-15 कनाल जगह है, और वहाँ पे मतलब प्लॉटिंग वगैरह की गई है। तो गैस भी वहाँ पे अवेलेबल है, बिजली का निज़ाम भी वहाँ पे है, पानी का बेहतरीन निज़ाम है। तो वहाँ पे अगर आप प्लॉट लेने के ख्वाहिशमंद हैं तब भी आप आसान प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से ये फ़ायदा उठा सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर इस्लामाबाद आप कन्वेंशन सेंटर की तरफ से या इस्लामाबाद मेन सिटी से अगर आप आते हैं तो तरामड़ी चौक से आपने लेफ़्ट लेना है, और लैतरार रोड पे जब आप सीधे आएंगे तो ठंडा पानी मशीन स्टॉप क्वालिटी, बल्कि PSO का पंप है, तो क्वालिटी PSO का पंप वहाँ पे आप देखेंगे। वहाँ से आपने राइट साइड पे जब इंटर होना है तो वो जो रोड जा रही है सीधी मक्का टाउन की तरफ जा रही है, तो रस्ते में ही आप मतलब यहाँ पर इसके बिल्कुल बीच रस्ते में ये प्रोजेक्ट वाक़ है। ये तकरीबन 10-15 कनाल का प्रोजेक्ट है, और हमने प्लॉटिंग वगैरह वहाँ पे की है। 5 मरला, 3 मरला, 4 मरला, उसके अलावा 7 मरला, 10 मरला के प्लॉट आपको मिल सकते हैं। तो बिल्कुल अगर यहाँ पे आप प्लॉट लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आसान प्रॉपर्टी से आप रब्ता करें, तो इंशाल्लाह हम आपको वहाँ का विज़िट करवाएंगे। और नंबर हमारे स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप हमारे नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं। और एक दफ़ा फिर मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंचती रहें।